इस सूत्र में ये कहते हैं, या जब कभी अंतःश्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती हैं, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो और पालो। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब अंतःश्वास, जो सांस को आप अंदर लेते हैं, जो प्राण ऊर्जा जिसमें है, और जो सांस बाहर जा रही है, ये दोनों में जो मिलकर एक वर्तुल बनता है, तो वर्तुल तो खंडित नहीं है ना, समांतर रेखा खंडित हो सकती है। जैसे पहले सूत्र में हमको लगा कि समांतर रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, पैरेलल किसकी बातें कर रहे हैं, शिव, ऐसा आभास हुआ। लेकिन उन्होंने बिंदु की बात कही थी वहां, लोटे की बात कही थी वहां, दूसरे सूत्र में उन्होंने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया और एक वलय का निर्माण करने को बोला आपसे, श्वासों के द्वारा, श्वासों को माला बनाने के आपसे कहा, दोनों बिंदुओं को जोड़कर। आप कह रहे हैं कि ये अंतःश्वास और बहिःश्वास, ये दोनों एक दूसरे में जब विलीन होती हैं, मिल जाती हैं, खो जाती हैं, एक समन्वय स्थापित हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि ये अंदर की सांस है या बाहर की सांस है, एक ऐसी चलती रहती है कि हम भूल ही जाते हैं कि ये चल रहा है। जब ये सांस एक दूसरे में विलीन कब हो जाएंगी? पहले तो उन्होंने कहा कि प्रथम सूत्र में कहा, उन्होंने कहा कि भाई सांस अंदर जाने के बाद में लौटने से पूर्व, मतलब बिंदु के बारे में बात की। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि अंदर जाने के बाद में जो टर्न होती है, न्यूट्रल के बारे में बात किया, जिसमें हमने बात यह भी किया कि उसमें हम एक एक्सपेंशन कैसे लाएं, मनन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा, इसको हम थोड़ा बड़ा कैसे करें। मैंने उदाहरण भी आपको दिया एयरक्राफ्ट लैंडिंग का, सचिन तेंदुलकर का बातें मैंने की कि बैटिंग जब करते हैं तो कैसा धीमी गति से लगता है कि बॉल आ रही है, इस प्रकार की बातें हमने की। तो आप इसका जो अभ्यास करने लगेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों श्वास एक दूसरे में विलीन होने लगती है, इसका एहसास घट जाता है कि अलग अलग सांसें हैं, ये ऐसे अभिन्न ढंग से अखंडित ढंग से अंदर प्रवाहित होने लगती हैं, अंदर अंतरतम प्रदेश में आपके शरीर में प्रवाहित होने लगती है, कि जैसे आप एक वर्तुलाकार में गति कर रही है। तो उसमें होता क्या है, उस क्षण जब आपको महसूस होने लगे, उस क्षण में ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। ये ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित केंद्र है क्या? शिव कह रहे हैं, इंगित कर रहे हैं हमारे नाभि की तरह। आप जानते हैं, देखे हुए हैं कि विष्णु लेटे हुए हैं, उनके नाभि से एक कमल खिला हुआ है और उसमें ब्रह्मा बैठे हुए हैं, सृष्टि के संरचना करने, निर्माण करने वाले बैठे हुए हैं। ये प्रतीकात्मक है। क्या समझते हैं उससे आप कि नाभि से, नाभि का जो केंद्र है वो एक ऐसा केंद्र है जिससे कि सृष्टि की संरचना होती है। जब आप अपने माता के गर्भ में होते हैं तो उस समय आप माता से जुड़े हुए होते हैं, आप तो सांस तक आते ही लेते हैं, सांस भी नहीं लेते, प्राण ऊर्जा जो सांस के द्वारा अंदर में गतिमान होती है, हम जीवित रहते हैं, वो सांस भी नहीं लेते हैं माता के गर्भ में हम। हम तो जैसे विष्णु क्षीर सागर में है, वैसे ही जो माता के पेट के अंदर में जो एक वाटर बैग होता है उसके अंदर होते हैं। शायद आपको ख्याल में ना आया हो कि माता के गर्भ में जो वाटर बैग होता है उसमें जो पानी होता है, जल होता है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, ये एकदम वैसा ही है जैसे समुन्द्र का पानी। समुद्र का पानी में जो गुणवत्ता पाई जाती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, वही पानी माता के गर्भ में जो वाटर बैग है जिसके अंदर हम बच्चे के रूप में रहते हैं, वही पानी है जो समुद्र का पानी है। इसलिए तो जब आप समुद्र के पास जाते हैं, बैठते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप आह्लादित महसूस करते हैं, प्राण शक्ति का प्रवाह होता है आपके अंदर में, आपको खुशी महसूस होती है, आनंद महसूस करते हैं आप, क्योंकि आपकी पहचान है, आप जानते हैं उस पानी को। तो विष्णु का वो जो चित्रण किया गया है कि समुद्र में लेटे हुए हैं, वो विष्णु आप ही हैं, आप उसी के तो अंश हैं,
आप अलग थोड़ी हैं उनसे, गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है ईश्वर में और हम में, क्योंकि हम उसके संतान हैं। जैसे आपके पिताजी हैं और आप हैं, आप अलग थोड़ी हैं, जो पिताजी की गुणवत्ता है जो भी है आप भी वही हैं, आप एक्सटेंशन हैं, आप उनसे आए हैं। उसी प्रकार से ये जो नाभि है ये प्राण का केंद्र होता है, और ये नाभि के ठीक नीचे एक स्थान होता है। आपने मेरा वीडियो देखा होगा द आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, नहीं देखा हो तो जरूर देखें, उसमें आपको समझ में आएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। थोड़ा विस्तार पूर्वक उसमें वर्णन भी किया गया इसके बारे में कि हम सांस जब लेते हैं पेट फूलना चाहिए, छाती नहीं। प्राणायाम वगैरह में जो सांस भरने छाती का है, हम प्राणायाम की बात नहीं कर, हम तंत्र की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। हम पातंजल के योग सूत्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तंत्र के बारे में, भैरव तंत्र शास्त्र के बारे में, जिसको शिव ने खुद कहा है पार्वती से। जापान में जो लोग हाराकारी करते हैं, वो आत्महत्या करते हैं, जैसे वो लड़ाई करते हैं उसमें हार जाते हैं तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वो आत्महत्या कर लेते थे पहले। तो नाभि से ठीक 2 इंच नीचे एक छोटे से शस्त्र से छेद कर देने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि प्राण वहीं बसता है, प्राण वायु वहीं जाता है और वहीं से ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए जब छाती से सांस लेते हैं तो हम स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, अवसादग्रस्त रहते हैं। जब पेट से सांस लेते हैं तो हम क्रियाशील रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, विजडम रहता है, शांति रहती है, स्थायित्व रहता है, ठोसपन रहता है। जैसे गणेश का देखें अपने पेट, बुद्ध देव की जितनी छवियां बनाई गई है जापान वगैरह में, सब में बुद्ध देव की फोटो में देखेंगे पेट बड़ा बड़ा है। आनंदित लोगों का लक्षण ही होता है पेट थोड़ा बड़ा होता है, मतलब खाते पीते घर का है, खुश। तो ये ब्यूटी के चक्कर में नफरत अपने आप से ना करें और ना ही ये सांस लेने की प्रक्रिया को भूल जाए। छोटे बच्चों को देखा आपने कैसे सांस लेते रहते हैं, सांस पेट से लेते हैं, लेकिन हमको सिखाया गया धीरे धीरे कि पेट को अंदर करो, छाती को फुला। उससे हुआ क्या, हम स्ट्रेस में और गतिमान हो गए। जब सांस गहरी में जाती है अंदर नाभि की तरफ तो वहां काम केंद्र है, सेक्स का सेंटर है, स्वाधिष्ठान चक्र है वहां नाभि के नीचे। स्वाधि का मतलब है प्लेजर, आनंद, खुशी, सेक्स चक्र भी कहते हैं इसको। सेक्स ऊर्जा है जो कि आपको कलाकार बनाती है, क्रिएटिव बनाती है, ऊर्जा देती है, आनंद देती है, सृष्टि की संरचना होती है उस केंद्र से। प्रेम वहीं से उपजता है, वही दलदल है जहां से कमल खिलता है, लोटस खिलता है। तो जब ये नाभि में ये श्वास, अंतःश्वास और बहिश्वास विलीन हो जाता है और वहां पहुंच जाता है तो आपको काम केंद्र को जागृत करता है। काम केंद्र जागृत होने से आप में ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, आनंद आता है, काम करने का एक स्फूर्ति पैदा होती है। अन्यथा आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो कि निरस, मृत्युवत, अवसादग्रस्त, ऊर्जाहीन जीवन जीते हैं। तो ये जो नाभि केंद्र है ये क्या है, शिव कहते हैं ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित दोनों है। ऊर्जा रहित कैसे हुआ, ऊर्जा पूरित कैसे हुआ, इस केंद्र दोनों कैसे हो सकते हैं, शिव कहना क्या चाह रहे हैं। ऊर्जा रहित इसलिए कि हम जो खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा बनती है ये शरीर को शक्ति देती है, लेकिन ये नाभि का केंद्र है, ये आप जो भोजन करते हैं उससे शक्ति नहीं देती, खाद्यों से शक्ति नहीं देती, इसलिए इसे कहते हैं ऊर्जा रहित। ऊर्जा पूरित क्यों कहते हैं, जब यहां सांस इस जगह को टच करता है, छूता है और यूनिवर्स में जो शक्तियां हैं ये सभी शक्ति इससे जुड़ी हुई है। नाभि का केंद्र खाद्यों के ऊर्जा के ऊपर निर्भर नहीं है, ये निर्भर है और चीजों में, फिजिकल चीजों में निर्भर नहीं है, मेटाफिजिकल बाह्य शक्तियों पे, श्वास पे, बाहर की शक्तियों से इसको मिलती है ऊर्जा। इसलिए कहते हैं ऊर्जा पूरित भी है, ऊर्जा रहित भी है,
ऊर्जा पूरित भी है। तो श्वासों के द्वारा ये ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित जो नाभि केंद्र है उसको स्पर्श करो और जान जाओ, शिव ऐसे कहते हैं। करके देखें, लगता आसान है, करके देखें तो सही। अविश्वास ना करें, संशय ना करें। जैसे हमने पहले शुरुआत में कहा था कि मन का स्वभाव है डाउट करना, संशय करना। इससे थोड़ा सा हटे, परे हटे। मन से कैसे परे हटे, मन को कैसे कंट्रोल करें, मन के गुलामी से कैसे बाहर निकले, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी भर में तंत्र शास्त्र में शिव बताते हैं अलग अलग उपाय। यदि ये वीडियो आपको सुनकर अच्छा लगा, देखकर अच्छा लगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं संतोष शर्मा अगले वीडियो का इंतजार करें भैरव तंत्र शास्त्र के एक नए विधि, एक नए फॉर्मूला, एक नए सूत्र के साथ। नमस्कार।